हम श्रद्धेय नागराज जी से 4-5 बार मिले, उनसे जो बातचीत हुई हमारे लिए वो अभी भी प्रेरणा है। मध्यस्थ दर्शन अपने आप में पूर्ण है। प्रस्तुति में, हमारी प्रस्तुति में कमी हो सकती है, वो हमारी जिम्मेदारी है। अभी हम शुरुआत करते हैं। श्री अजय भाई जी ने अभ्यास दर्शन के पठन की शुरुआत की, बहुत ही सुंदर है ना, भावपूर्ण प्रस्तुति रही उनकी। समाधान संपन्न होने के लिए ये अभ्यास है, और ये अभ्यास का प्रथम लक्षण हम बोल सकते हैं कि मूल प्रवृत्तियों के परिमार्जन करना है ना, वो कैसे, कुशलता पांडित्यपूर्ण व्यवहार के साथ। यह अनुभवगामी विधि से अभ्यास हम बोल सकते हैं, विचाराभ्यास, व्यवहाराभ्यास, कर्माभ्यास के साथ, और अनुभव मूलक विधि से ये जो अभ्यास है, देव मानवीयता, दिव्य मानवीयता, प्रमाण के अर्थ के अर्थ में चिंतनाभ्यास, व्यवहाराभ्यास और कर्माभ्यास। अनुभवगामी विधि से जब हम लक्ष्य को स्वीकारते हैं है ना, तो हम जीने का क्रम सजाते हैं। और यहाँ पे हम लक्ष्य बता रहे हैं कि समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व। लक्ष्य को हम पहले सुनते हैं है ना, पहले सहमत होते हैं, फिर स्वीकारते हैं। हम यहाँ पे स्वीकारने का अच्छे से स्टेजेस है, आस, आभास, प्रतीति, और उसी में हमारा निश्चय होता है। तो जैसे से हम लक्ष्य को स्वीकारते हैं, वैसे वैसे हमारे जीने का क्रम सजता है। यहाँ पे सामाजिकता की परिभाषा है, मानवीयता पूर्ण आचरण सहित अखंड समाज सूत्र व्याख्या के अनुसार जीना। अजय भाई जी ने सूत्र व्याख्या बहुत ही अच्छे से बताया है। सूत्र समझ है, व्याख्या जीना है। तो अभी अध्याय 4 प्रतिभाजी शुरुआत करते हैं। नमस्ते। बाबा जी को कृतज्ञता पूर्वक स्मरण करते हुए इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। हम अभी अभ्यास दर्शन पुस्तक का पठन कर रहे हैं। पहला अध्याय है अभ्यास दर्शन। इस अध्याय में हमने पढ़ा ज्ञानावस्था की चैतन्य इकाई। ज्ञानावस्था की चैतन्य इकाई में ही अभ्यास के प्रति निष्ठा एवं लक्ष्य के प्रति जागृति होती है। यहाँ यह स्पष्ट कर रहे हैं बाबा जी कि अभ्यास मानव में ही होना है। दूसरे अध्याय में अभ्यास की अनिवार्यता को बाबा जी बता रहे हैं। मानव में अभ्यास की अनिवार्यता जागृति व पूर्णता के लिए है। मानवीयता पूर्ण आचरण में जीने के लिए और आचरण पूर्णता के लिए अभ्यास अनिवार्य है। सर्वतोमुखी समाधान ही अभ्युदय है। तीसरे अध्याय में बाबा जी ने अभ्युदय की अनिवार्यता बताते हुए इस अध्याय में बहुत सारे सूत्र ध्यानाकर्षण हेतु बताए हैं, लिखे हैं। हर सूत्र अपने में एक विश्लेषण है मानव के जीने का। अभ्युदय ही अनिवार्यता मानव में सामाजिकता के लिए है, यह स्पष्ट किया है। आज हम चौथे अध्याय से शुरू करते हैं। अध्याय 4 अखंड समाज गति सहज सामाजिकता की अनिवार्यता। सामाजिकता की अनिवार्यता, भ्रम व भय से मुक्ति पाने के लिए, बौद्धिक समाधान के लिए, भौतिक समृद्धि के लिए। सामाजिकता की अनिवार्यता हर मानव में भ्रम व भय से मुक्ति पाने के लिए है। हर मानव भ्रम व भय से मुक्ति चाहता ही है, समाधानित होना चाहता है, समृद्धि को प्रमाणित कर जीना चाहता है, पर भ्रम व भय के कारण उसके कार्य व्यवहार की दिशा ही बदल जाती है और फलतः वह दुखी होता है। सबसे बड़ा भ्रम स्वयं को शरीर मान लेना यही है। आगे अभयता ही सुरक्षा व सतर्कता समाधान। अभयता ही सुरक्षा व सतर्कता
समाधान ही सदुपयोग व सजगता, समृद्धि ही अर्थ है। इसको ऐसे ऐसे समझा है मैंने कि तन मन धन की सुरक्षा व तर्कसंगत विधि से समाधान को प्रस्तुत करना ही अभयता है। अर्थ का सदुपयोग व जागृति को प्रमाण सहित प्रस्तुत करना ही समाधान है। आवश्यकता से अधिक उत्पादन होना, यह भाव मानव में होना, यही समृद्धि है। आगे, मानव ही उत्पादन में अर्थ एवं सुरक्षा का, व्यवहार आयाम में न्याय एवं सहअस्तित्व का, विचार आयाम में समाधान एवं दर्शन क्षमता का, अनुभव आयाम में परमानंद एवं सहअस्तित्व का उद्गाता है। यहाँ उद्गाता से अर्थ है कि प्रमाण प्रस्तुत करना। इस वाक्य को मानव अर्थ एवं सुरक्षा को व्यवसाय आयाम में उत्पादन कर प्रमाणित करता है। न्याय एवं सहअस्तित्व को व्यवहार आयाम में प्रमाणित करता है और समाधान एवं दर्शन क्षमता को विचार आयाम में प्रमाणित करता है। अनुभव आयाम में परमानंद एवं सहअस्तित्व को प्रमाणित करता है। इस तरह से मैंने इस वाक्य को समझने की कोशिश की है, जो आपके सामने मैंने अभी रखा है। आगे बताते हैं, मानव में विचार एवं दर्शन क्षमता का प्रमाण न होना ही भ्रम है। हम सभी जानते हैं कि मानव का मूल रूप विचार ही है। हर मानव विचार करता ही है। हर मानव में समझने की क्षमता बनी हुई है। मैं समझ नहीं पाऊंगा, मैं ऐसा सोच नहीं पाऊंगा, ऐसा सोचना ही मानव में भ्रम है। आगे, दर्शन क्षमतावश सुख की अपेक्षा में दश सोपानीय व्यवस्था कार्य, त्रिधा कार्य क्षेत्र, भौतिक बौद्धिक आध्यात्मिक के योग से नीति त्रय के आधार पर वाद त्रय का विश्लेषण पूर्वक तात्रय की व्याख्या सहित मानवीयता में मानव की पांच स्थितियों में आचरण संहिता को स्पष्ट करता है, जिसका प्रत्यक्ष रूप अखंड सामाजिकता है। फलतः न्याय का अनुभव है जो सुख ही है, यही लोकव्यापीकरण पूर्वक अभय है, जिसकी चिराकांक्षा मानव में है। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा वाक्य है, इसको धीरे ऐसे समझते हैं। धीरे धीरे दर्शन क्षमतावश सुख की अपेक्षा में दश सोपानीय व्यवस्था कार्य, त्रिधा कार्य क्षेत्र, तो भौतिक कार्य क्षेत्र जो उत्पादन व्यवस्था की सीमा में है, बौद्धिक कार्य क्षेत्र जो आचरण व स्वतंत्रता की सीमा में है, आध्यात्मिक कार्य क्षेत्र जो अनुभव की सीमा में है, इन तीनों कार्य क्षेत्र के योग से तीनों नीति, धर्म नीति, अर्थ नीति, राज्य नीति के आधार पर तीनों वादों का विश्लेषण पूर्वक, तीन वाद, अनुभवात्मक अध्यात्मवाद, व्यवहारात्मक जनवाद, समाधानात्मक भौतिकवाद, ये तीनों वादों के विश्लेषण पूर्वक तात्रय मतलब मानवीयता, अमानवीयता और अति मानवीयता की व्याख्या सहित मानवीयता में मानव की पांच स्थितियों में, पांच स्थितियां मानव की, व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और अंतरराष्ट्र, आचरण क्षमता को स्पष्ट करता है, जिसका प्रत्यक्ष रूप अखंड सामाजिकता ही है। इसका फलन ही मानव में न्याय का अनुभव है, जो सुख है, इसका मानव द्वारा लोकव्यापीकरण समाज में अभय है, जिसकी इच्छा मानव में सदा सदा के लिए पाई जाती है। ये तो हम हर व्यक्ति स्वयं में देख ही पाता है कि ऐसा सभी मानव सोच पाते हैं। आगे लिखा है, अकेले मानव में से के लिए सार्थकता सिद्ध नहीं होती, क्योंकि समाज या सामाजिकता
इसका मूल आधार या कारण है तो स्पष्ट ही है, मानव का जीना अकेले में नहीं है। मानव किसी परिवार में ही होता है, जो परिवार समाज का एक अविभाज्य अंग होता है। इसलिए मानव का सामाजिक होना अनिवार्य है। हम भी स्वयं में देखते ही हैं, हमारा जीना व्यक्ति से लेकर मतलब स्वयं से लेकर परिवार में और समाज तक डेली दिनचर्या में जाता ही है। आगे लिखा है, कारण गुण गणित ही निर्णायक तथ्य है जो प्रमाण त्रय व्यवहार प्रयोग अनुभव प्रमाण को सिद्ध करता है। ये भी स्पष्ट है, कारण तथ्य अनुभव प्रमाण को सिद्ध करता है, गुण निर्णायक तथ्य व्यवहार प्रमाण को सिद्ध करता है, गणित निर्णायक तथ्य प्रयोग प्रमाण को सिद्ध करता है। इसको और ज्यादा खोलेंगे तो मैंने इसको ऐसा समझा है कि कारण तथ्य, कारण व्यापक में संपृक्त जड़ चैतन्य प्रकृति यानी सह अस्तित्व ही सारी क्रिया का आधार है। इसको ये इस बात को ही अनुभव में हम इसका इस बात का अनुभव में प्रमाण मिलता है। और गुण निर्णायक तथ्य, गुण परस्परता में प्रभाव, तो मानव व्यवहार करते समय जीते समय अब परस्परता में भी व्यवहार होता है, मूल्य ही परस्परता में व्यवहारित होते हैं। तो परस्परता में व्यवहार प्रमाण को सिद्ध करता है गुण निर्णायक तथ्य, गुण का मतलब है परस्परता में प्रभाव। गणित निर्णायक तथ्य प्रयोग प्रमाण को सिद्ध करता है, जैसे उत्पादन करते हुए हम अनेकों प्रयोग करते हैं तो प्रयोग में गणितीय विधि के साथ में प्रयोग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे लड्डू बनाने हैं तो 1 किलो लड्डू के लिए कितने इंग्रेडिएंट्स लगेंगे या कितनी किलो शक्कर लगेंगी, ये एकदम क्रूड एग्जांपल मैंने दिया है। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि प्रयोग में गणित निर्णायक तथ्य यह प्रयोग प्रमाण को सिद्ध करता है। आगे समाज का आधार, मानव एवं मानवीयता, प्रमाण त्रय, स्थापित संबंधों में निहित स्थापित मूल्य और नीति त्रय। तो समाज का आधार बताया है, मानव एवं मानवीयता, प्रमाण त्रय, स्थापित संबंधों में निहित स्थापित मूल्य और नीति त्रय। मानव मानवीयता पूर्ण आचरण में जीकर सामाजिक होना पाया जाता है, जो अनुभव प्रमाण, व्यवहार प्रमाण और प्रयोग प्रमाण में प्रत्यक्ष है। अभी स्थापित मूल्य, स्थापित संबंध साथ है, हरेक संबंध में मूल्य होते हैं। तो स्थापित मूल्य 9 है जिसको शिष्ट मूल्य द्वारा व्यवहारित किया जाता है। हर संबंध में मूल्य समाया हुआ है ना, जिसका निर्वाह ही सुख है। और मूल्यों का निर्वाह तीनों नीति, धर्म नीति, राज्य नीति, अर्थ नीति के आधार पर होना पाया जाता है। आगे लिखते हैं, मानवीयता पूर्वक ही सामाजिकता सिद्ध होती है, अमानवीयता की सीमा में सामाजिकता की संभावना नहीं है। हाँ, ये तो कोई भी समझ सकता है। अति मानवीयता में मानवीयता समर्पित रहती है, देव मानवीयता, दिव्य मानवीयता, मानवीयता, देव मानवीयता और दिव्य मानवीयता में मानवीयता समर्पित रहती है। अतः सामाजिकता की संपूर्ण अभिव्यक्ति मानवीयता और अति मानवीयता ही है, क्योंकि सामाजिकता और किसी प्रकार सिद्ध नहीं होती। अतः इसी नियति क्रम या विकास क्रम विकास एवं जागृति क्रम जागृति तथ्यवशी मानव मानवीयता का अनुसरण व आचरण करने के लिए बाध्य है। जैसे हर मानव नियति क्रम जो विकास क्रम विकास और जागृति क्रम जागृति है उसको समझता है और जागृत मानव के आचरण को अनुसरण पूर्वक अनुसरण करता है और मानवीयता पूर्ण आचरण में जीने के लिए बाध्य है।
बस यही कहना चाह रहे हैं शायद उपरले बाबा जी। अमानवीयता में कितने भी प्रयोग करें अथवा वर्गवादी प्रयोग करें, अंततोगत्वा मानवीय स्वभाव धर्म दृष्टियों के प्रति समर्पित होना अवश्यंभावी है, क्योंकि विश्राम के लिए इसके अतिरिक्त और कोई शरण नहीं है। अमानवीयता में श्रम का शोक ही होता है, श्रम का शोक होता है, हम इसको बहुत अच्छी तरह से समझते हैं अभी की स्थिति में जीते हुए। इसलिए मानव विश्राम के लिए तृषित रहता है, हर कोई समाधान चाहता है, सुख चाहता है, यही यही कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। मानवीय दृष्टि जो न्याय धर्म सत्य है, मानवीय स्वभाव जो धीरता वीरता उदारता दया कृपा करुणा है, मानवीय धर्म जो सुख है, इसके प्रति समर्पित होकर जागृति सहित विश्राम को पाता है। मानव में विश्राम के लिए ही जागृति एकमात्र शरण है। आगे लिखते हैं, मानव पांच स्थितियों में गण्य है, जो व्यक्ति परिवार समाज राष्ट्र और अंतरराष्ट्र के रूप में स्पष्ट है। समाज का मूल रूप प्रत्येक मानव में समझदारी के रूप में समाया है, जो विचार आशा आकांक्षा एवं मंगल कामना के रूप में है। तो मानव में विचार संस्कार के रूप में होता है, संस्कार के रूप में ही हम उसको समझ सकते हैं विचार को। सुखपूर्वक जीने की आशा, जागृति के लिए तीव्र इच्छा और सर्व शुभ के अर्थ में मंगल कामना होती है, जिसके फलस्वरूप मानव समझदारी को पाकर सामाजिक होता है। आगे स्थितिवत्ता के मूल्य दर्शन क्षमता ही अध्ययन है, यथार्थ मूल्य दर्शन क्षमता ज्ञानानुभव ही है। स्थितिवत्ता को कहा है कि स्थिति को वहन करने वाली इकाई, तो इकाई का ही मूल्य मतलब इकाई की उपयोगिता और पूरकता, इकाई का दर्शन यानी इकाई का रूप गुण स्वभाव समझने की क्षमता ही अध्ययन है। जिसका जैसा अर्थ है उसको वैसा देख पाना, समझ पाने की क्षमता ही ज्ञान है, जो सह अस्तित्व में अनुभव है। आगे पढ़ते हैं, मूल्य दर्शन क्षमता ही प्रमाणवत्ता को प्रकट करती है। प्रमाण केवल प्रयोग व्यवहार एवं अनुभव ही है, यह स्पष्ट ही है। संबंध विहीन जन्म एवं मूल्य विहीन संबंध नहीं है। हर मानव संतान जन्म से ही संबंधों में ही जन्मता है, जन्म से ही उसे सारे संबंधी मिल जाते हैं, उसी समय से उसे सारे संबंधी मिल ही जाते हैं। ऐसा कोई संबंध नहीं दिखता जिसमें अपेक्षा ना हो, जिसमें मूल्य समाया ना हो, यही कहने की कोशिश कर रहे हैं इस वाक्य में। संबंधों में स्थापित मूल्य भी समान है, यही संबंध व मूल्य ध्रुव है, इसका निर्वाह ही न्याय है, यही न्याय ध्रुव है। मानव में न्याय की याचना कामना एवं सम्मति जन्म से ही है। न्याय ही निश्चित चिन्हित बिंदु है, ध्रुव यानी निश्चित चिन्हित बिंदु, तो इसी के आधार पर समाज को समझा जा सकता है। ये आगे लिखते हैं, यही शाश्वत मूल्य समाज का मूल आधार है, इसी आधार पर नीति त्रय सुदृढ़ है। संबंधों में स्थापित मूल्य का निर्वाह ही धर्म है, जिसमें अर्थ के सदुपयोग का स्वभावतः संबंध रहता ही है। धर्म ही सुख है, सुख के सदुपयोग व सुरक्षा के बिना सुखानुभव सिद्ध नहीं होता, जो प्रत्यक्ष है। अच्छा,
संबंधों के निर्वाह हेतु पोषण और संरक्षण के अर्थ में वस्तु का आदान प्रदान होता है। यही तन मन धन का नियोजन है, जिससे सुख रूपी धर्म का अनुभव होता है। यही जीने में सफलता है। आगे चलते हैं। धर्म सफलता ही जीवन की सफलता है। धर्माकांक्षा विहीन मानव नहीं है, इसलिए धर्म नीति व्यवहारान्वयन क्रिया सदुपयोग प्रधान एवं राजनीति सुरक्षा प्रधान व्यवहार एवं आचरण प्रक्रिया है। इसी सत्यतावश नीति त्रय भी समाज के मूल में समाहित है। प्रत्यक्ष अनुमानागम क्रियाएं मानव द्वारा चरितार्थ हुई है। इसी विशेषतावश उत्पादन व्यवहार एवं अनुभव योग्य विचार संपन्न होने की पूर्ण संभावना स्पष्ट हुई है। मानव के लिए यही अनुपम अवसर है। यही अवसर अभ्युदय के लिए उत्प्रेरित करता है। तो यहां बताया है प्रत्यक्ष अनुमान और आगम क्रियाएं ही मानव द्वारा चरितार्थ हुई है। तो प्रत्यक्ष क्रिया जिसको जो प्रमाण के साथ है, अनुमान क्रिया मतलब आगे होने वाली क्रिया जिसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और संभावना उसकी। आगम क्रिया मतलब एक के बाद एक होने वाली, बट जिसका कोई स्पष्ट आधार नहीं मिलता। मुझे इसकी पूरी स्पष्टता नहीं है आगम क्रिया की, पर ठीक है, इतना ही मैं इसके बारे में जानती हूँ अभी। और व्यवहार हम अनुमान के आधार पर ही करते हैं ना, समझते हुए अनुमान करते हुए ही समझते हैं। कुछ समझना है, कुछ चीजें हमको समझना है, तो हम एक कड़ी से कड़ी होती है, समझने की एक विधि होती है कड़ी से कड़ी। तो आगे की कड़ी का अनुमान करते हुए ही हम इसको समझते हैं। अध्ययनशील अध्ययनरत मानव अनुमान क्रियावश ही जागृति को पाता है। इसका प्रमाण प्रत्यक्ष मिलता ही है ना? यही अनुभव के लिए प्रेरणा है, ऐसा ऊपर के परिच्छेद में कहने की कोशिश की है। ऐसा मैंने इसका निष्कर्ष निकाला। मानव में ही विकास एवं जागृति दर्शन क्षमता प्रत्यक्ष है। मनुष्यतर प्रकृति में अस्तित्व बनाए रखने के लिए पूरकता उपयोगिता पूर्वक संतुलन को प्रकाशित किया है। क्या आवाज नहीं आ रही क्या? मानव में ही विकास एवं जागृति दर्शन क्षमता प्रत्यक्ष है। मनुष्यतर प्रकृति में अस्तित्व बनाए रखने के लिए पूरकता उपयोगिता पूर्वक संतुलन को प्रकाशित किया है। तो मानव में विकास क्रम विकास और जागृति क्रम जागृति को समझने की क्षमता बनी हुई है ना? इस धरती पर पदार्थावस्था प्राणावस्था जीवावस्था के होने व रहने को समझकर उपयोगिता और पूरकता पूर्वक उसके अस्तित्व को मानव बनाए रख सकता है और संतुलन को प्रकृति में प्रमाणित कर पाता है। जागृति उपरांत जब जब पदार्थावस्था प्राणावस्था व जीवावस्था के होने और रहने का स्वरूप मानव में स्पष्ट होता है, तब उसके साथ उपयोगिता पूरकता विधि से जीकर ही मानव धरती के संतुलन को प्रमाणित कर सकता है। जागृत मानव में पाई जाने वाली अनुभव मूलक चिंतन से ओतप्रोत विचार शक्ति ही स्थितिवत्ता का दर्शन मूल्य स्थितिवत्ता का दर्शन मूल्य दर्शन एवं प्रमाणीकरण करती है। इसी से संतुलन और सार्वभौमता व अखंडता प्रमाणित होना पाया जाता है। साथ ही निर्धारण एवं निश्चय पूर्वक अनुसरण व अनुमोदन क्रिया को संपन्न करती है। यह सब विचार शक्ति से ही संभव है ना? जागृत मानव में होने वाली सारी क्रियाएं यहाँ पे बताया है ना?
समझने के अर्थ में। सो हम इससे ये समझते हैं कि मानव में जो भी कुछ क्रियाएं होती हैं वो विचार शक्ति के आधार पर ही होती है। तो यह सब विचार शक्ति से ही संभव है, इसलिए विचार विहीन मानव नहीं है। विचार के अभाव में प्रमाण सिद्ध नहीं होता, मानव का मूल रूप ही विचार है। आगे समाज का लक्ष्य, समाज का लक्ष्य दिया है अभयता, भौतिक समृद्धि, बौद्धिक समाधान। तो अभयता मतलब भय और भ्रम से मुक्ति, मुख्यतः यहाँ पे भय मतलब अमानवीयता के भय से मुक्ति चाहता है मानव, यही समाज का लक्ष्य। भौतिक समृद्धि, शरीर पोषण और संरक्षण हेतु साधनों का आवश्यकता से अधिक उपार्जन और अधिक होने का भाव मानव में होना, यही भौतिक समृद्धि है। बौद्धिक समाधान, तो हर मानव जागरूक होकर मान्यतापूर्ण आचरण को जीकर प्रमाणित करे, यही बौद्धिक समाधान है, जिसका प्रत्यक्ष रूप अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था है, जो वर्ग सीमाओं से मुक्त एवं भ्रम व भय से मुक्त ही है। हम अभी देख पाते हैं कि अभी का समाज बटा हुआ है, अनेक जाति धर्म संप्रदायों में बटा हुआ है और एक सूत्रता का और अखंडता का अभाव ही दिखता है। जागृत समाज में मानव धर्म एक ही पाया है और मानव जाति भी एक ही, मानव धर्म एक जो सुख है और मानव जाति एक जो मानव है। मानव के अभ्युदय का प्रत्यक्ष रूप ही अखंड सामाजिकता ही है, यही समाज के संतुलन को प्रकट करती है, यही अभय है। समाज में संतुलन से अर्थ है सबको समान अवसर मिलना, सबको शिक्षा का अवसर समान मिलना, सबको उत्पादन के लिए अवसर समान मिलना, सबको व्यवस्था में भागीदारी करने के अर्थ में अवसर समान मिलना, यह समाज के संतुलन का अर्थ है। अभी यह अवसर कुछ मुट्ठी भर मानवों के हाथ में है। इससे ईर्ष्या, भय, स्पर्धा, द्वेष, इसको हम देख ही पा रहे हैं अपने आसपास। यह कोई नहीं चाहता, पर भ्रमवश जीते हुए मानव स्वयं को इस दुख व विवंचनाओं के चपेट में पाता है। स्वयं को शरीर मानना ही सबसे बड़ा भ्रम है, इसलिए समाज का लक्ष्य भ्रम मुक्ति यानी अभयता होना अनिवार्य है। आगे दिया है, कृषि, पशुपालन तथा प्रौद्योगिकी से ही भौतिक समृद्धि प्रसिद्ध है। जब आवश्यकता पर नजर डाली गई तो कृषि सर्वप्रथम आवश्यकता है। कृषि उत्पादन सर्वश्रेष्ठ, सर्वाधिक उपयोगी है और समृद्धिकारी है। कृषि ये ऐसा प्रतिपादन, ये स्वयं बाबा जी ने लिखे हुए वाक्य हैं जो मुझे जनवाद में मिले, जनवाद में और शास्त्र में भी ऐसे बाबा जी ने कृषि और पशुपालन के ऊपर इसी तरह से लिखा है, जो हर एक मानव में, जो जैसे मुझे भी स्पष्ट है और स्वीकृत होता है, वैसे हर एक मानव को ये स्वीकृत होने वाली बात ही है। कृषि के साथ साथ पशुपालन एक अनिवार्य कार्य है, साथ में अविभाज्य भी है। कृषि के साथ पशुपालन की महत्ता हम सबको पता ही है। धरती की उर्वरकता बनाए रखना, ईंधन की प्राप्ति, मानव के आहार में सर्वश्रेष्ठ उपयोगी पदार्थ के रूप में दूध और घी पशुपालन से ही हमको मिलता है। कृषि पशुपालन के साथ प्रौद्योगिकी से कपड़ा, पशुओं के मृत्यु के बाद चमड़े से अनेक वस्तु को, उपयोगी वस्तु को बनाना और ऐसे अनेक वस्तुएं जो आवास और अलंकार के रूप में शरीर के संरक्षण और पोषण के लिए हम प्राप्त करते हैं, जिसका हम उपयोग करते ही हैं, अभी भी करते हैं। इसके लिए आगे लिखा है, इसके लिए पर्याप्त निपुणता, कुशलता एवं पांडित्याधिकार
अनिवार्य है, जो सामान्य और महत्वाकांक्षा की सीमा में चरितार्थ होता है। सामान्य आकांक्षा आहार, हम सब जानते ही है, सामान्य आकांक्षा को आहार, आवास, अलंकार, जो शरीर के पोषण संरक्षण हेतु है, और महत्वाकांक्षा को हम दूरगमन, दूर श्रवण, दूरदर्शन की वस्तुएं को, की वस्तुएं जो समाज गति के लिए समर्पित है, ऐसा इसको समझे हैं। और निपुणता, तो निपुणता की परिभाषा यहाँ बाबा जी ने दी है, प्राकृतिक ऐश्वर्य पर श्रम नियोजन पूर्वक आवश्यकता अनुसार उपयोगिता मूल्य को स्थापित करने योग्य योग्यता। और कुशलता को दिया है कि मानसिकता पूर्वक, जिसमें मानसिकता समाई है, मानसिकता पूर्वक प्राकृतिक ऐश्वर्य पर श्रम नियोजन पूर्वक आवश्यकता अनुसार उपयोगिता एवं कला मूल्य को स्थापित करने योग्य योग्यता। और पांडित्य है कि न्याय धर्माधर्म सत्यासत्य निर्णय करने व तदनुसार आचरण करने तथा अन्य को बोधम्य कराने योग्य क्षमता अधिकार। तो इससे हम समझ सकते हैं कि रॉ मटेरियल जब हम लेते हैं प्रकृति से और श्रम नियोजन पूर्वक वस्तु उपार्जित करते हैं, तो हम जागरूक मानव इसका ध्यान रखेगा कि कोई भी वस्तु का स्रोत जो है निसर्ग में, प्रकृति में, उसको वो अबाधित रखेगा, संतुलन बनाए रखते हुए। तो यह समझदारी के साथ ही हमको समझता है। आज हम देखते हैं समाज में कि धरती क्षतिग्रस्त हो रही है, धरती का ताप बढ़ रहा है, यह सब किस लिए हो रहा है? तो वस्तुओं को उपार्जित करने के क्रम में जो रॉ मटेरियल धरती से हम ले रहे हैं, उसके स्रोत को बनाए रखने वाली कोई विचार ही नहीं है, या वो वैसे वो चीज वहां पे क्यों है, किस लिए है, कैसी बनी है, इस क्रिया का कोई अध्ययन ही अभी के शिक्षा में नहीं दिखता। इसीलिए धरती का असंतुलन और संतुलन हमको दिखता है। प्राकृतिक ऐश्वर्य को बनाए रखते हुए उत्पादन, प्राकृतिक संतुलन बनाए रखते हुए उत्पादन, यह समझ में आता है। आगे लिखा है, बौद्धिक समाधान मानवीयता की सीमा में प्रत्यक्ष है, जिसकी पूर्ण संभावना व अनिवार्यता है। मानवीयता पूर्ण आचरण में जीते हुए मानव समाधान को प्रमाणित करता है, जो प्रत्यक्ष है, जो होना ही है। एक सूत्र मुझे यहाँ याद आ रहा है जो बाबा जी बताते हैं, अस्तित्व स्थिर है, जागृति निश्चित है। यह सूत्र जब जब मैं सुनती हूं ना, मुझे बड़ा सुकून सा लगता है। समाज की पांचों स्थितियों में लक्ष्य समान है, लक्ष्य विहीन मनुष्य नहीं है। इसलिए लक्ष्य जब आकांक्षा व आशावश आवश्यकता या अनिवार्यता के रूप में परिवर्तित तीव्र इच्छा होना होता है, होगा, तब यही कार्यक्रम के लिए बाध्यता होगी, क्योंकि लक्ष्य विहीन कार्यक्रम नहीं है। निश्चित लक्ष्य उचित कार्यक्रम को पहचानने एवं संपन्न करने में मानव समर्थ है। औचित्यता मानवीयता पूर्ण पद्धति से सिद्ध होती है, जो स्पष्ट दर्शन क्षमता पर आधारित है, यही विश्लेषण है। जागृत मानव का आचरण ही अनुसरणीय है, जो मानवीयता पूर्ण पद्धति से सिद्ध होता है। औचित्यता मतलब कि अनुकरणीय और अनुसरणीय है। अति मानवीयता या अमानवीयता की अपेक्षा में ही मानवीयता का निर्धारण होता है, साथ ही इसी सीमा में विश्लेषण भी पूर्ण होता है। मनुष्य के चारों आयामों में, अनुभव आयाम, विचार आयाम, व्यवहार आयाम, व्यवसाय आयाम में, एवं पांचों स्थितियों की, व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और अंतरराष्ट्र, पांचों स्थितियों की एक सूत्रता, अभयता, समाधान एवं समृद्धि है। और आखिर में यही हमें स्पष्ट होता है इस अध्याय से कि
यही समाज का लक्ष्य भी है। यहाँ पे चौथा अध्याय पूर्ण होता है। आगे के लिए श्रीमान जी शुरू करेंगे। जो भी कुछ प्रश्न आए होंगे उसको बाद में ही देखेंगे हम। सभी को नमस्ते। अध्याय चार में हमने देखा कि सामाजिकता की अनिवार्यता है ना। अगर नकारात्मक भाषा से अगर हम देखते हैं तो बाबा जी ने ऐसे लिखा है कि मानवीयता के अतिरिक्त और कोई शरण नहीं। दूसरा वो लिखते हैं कि संबंध विहीन जन्म और मूल्य विहीन संबंध नहीं। और तीसरी बात वो लिखते हैं कि विचार विहीन मनुष्य नहीं है। लेकिन अगर यही बात हम सकारात्मक भाषा से लेते हैं तो सामाजिकता की अनिवार्यता यानी बाध्यता, विश्राम के लिए संबंध पहचानने एवं निर्वाह के लिए और अनुभव के लिए एवं प्रमाणित करने के लिए है ना। और इसी अध्याय से हमने देखा कि समाज का लक्ष्य, तो समाज का लक्ष्य अभयता, वर्तमान में विश्वास है ना, भौतिक समाधान, भौतिक समृद्धि है ना। तो समाज की जो मूल इकाई है परिवार, और उसका केंद्र बिंदु जो मानव है, और उसका एक्सटेंशन जो हम बोल सकते कि राष्ट्र और अंतर्राष्ट्र। तो हर परिवार समाधानी मानव के साथ उनका समृद्ध होना है ना, यही अल्टीमेट जो हम बोल सकते कि एम है। तो एक परिवार समाधानी और समृद्ध होने के लिए अनेक परिवारों का समृद्ध होना और रहना अनिवार्य है। यहाँ पे समाधानित होना इनबिल्ट है। अगर एक परिवार को समाधानित होना है, समृद्ध होना है, तो अनेक परिवारों का समृद्ध रहना अनिवार्य है। और यही जीने देना और जीना है ना, हमें याद